हेलो गाइस, कैसे हैं आप? पहले तो मैं वेलकम बोलूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे दोबारा से। काफ़ी टाइम बाद मैं यूट्यूब चैनल पे आ रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि मुझे कोई कंटेंट मिल नहीं रहा था घूमने के लिए, या फिर मैं कोई एक्सप्लोर कर नहीं रहा था कहीं। फिलहाल मैं आगरा में था अभी, तो मैं आ चुका हूँ जयपुर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पीछे मेरे सिंधी कैंप है, इधर से मैं दिखा देता हूँ। तो आगरा से केवल ये 4 घंटे का ही रास्ता है जयपुर, तो मैंने सोचा क्यों ना एक्सप्लोर कर लिया जाए। एक्चुअली मेरा हॉलीडे था 2 दिन का, तो सोचा छुट्टी वेस्ट ना करूँ और मैं आ जाऊँ जयपुर। तो 4 घंटे का रास्ता भी है, तो सोचा चलो ठीक है यहीं पे आ जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पहले सिंधी कैंप पे आया बस से, आगरा से मैंने बस लिया और वहाँ से सिंधी कैंप आया। सिंधी कैंप से अब मैं जा रहा हूँ, मैंने एक डोरमेट्री बुक कराया, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ अपने प्लेस पे। डोरमेट्री का नाम आप लोगों को बता देता हूँ मैं, बैग पैकर्स विला नाम है उसका, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिला है। 450 प्राइस है उसका, तो बहुत ही रिजनेबल है। केवल 1 नाइट स्टे करना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं महंगे होटल या फिर कोई इस टाइप का रूम बुक करूँ। तो मुझे बस एक नाइट सोना है, फिर सुबह निकलना है एक्सप्लोर करने। तो जयपुर में मेरे साथ बने रहो आप लोग, और मैं अपने ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को घुमाऊंगा जितनी भी अच्छी जगह मिलेंगी, 2-4 जगह 5 जगह एक दिन में मैं जो भी एक्सप्लोर कर पाऊँ आप लोगों को जरूर। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो बैग पैकर्स विला है वो मुश्किल से 600-700 मीटर होगा सिंधी कैंप जो बस स्टैंड है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो आप लोगों को कोई ऑटो वगैरह कोई रिक्शा वगैरह नहीं लेना पड़ेगा, चल के भी जा सकते हो जैसा कि मैं जा रहा हूँ। मेरा बैग पैकर्स विला, तो ये हमारी एंट्री, ये रहा बैग पैकर्स विला। एंट्री गेट हमारी, ये हमारा रिसेप्शन, सो गाइस फाइनली आई हैव रीच्ड टू माय स्टे वेयर आई हैव बुक्ड ऑनलाइन। मैंने ऑनलाइन बुक करा था, ये एक टाइप का होम स्टे है, हॉस्टल टाइप का, आप यहाँ पे रूम लेके रह सकते हो आराम से। बहुत ही अच्छी जगह है, मैं व्यू दिखा दे सकता हूँ यहाँ पे, देखो पीछे अच्छा व्यू है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बहुत ही अच्छी जगह है, सिटी के बीच में ही है। जैसे ही आप बस स्टैंड पे उतरोगे वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 600 से 700 किलोमीटर बस, सॉरी 700 मीटर। तो वॉकिंग डिस्टेंस ही आप आ सकते हो, आराम से रह सकते हो यहाँ पे, रिजनेबल प्राइस है, अच्छी जगह है, स्टाफ भी अच्छा है यहाँ पे। वॉशरूम भी आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, शावर्स हैं और काफ़ी अच्छा वॉशरूम है। सुबह के 8 बज रहे हैं अभी और हल्की बारिश भी हुई है अभी 7 बजे के आसपास, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया निकलने में। तो अभी मैं अपने रूम से आउट हो चुका हूँ, चेकआउट हो चुका हूँ और मैं चौराहे पे आ गया हूँ। यहाँ पे एक चाय का टपरी है, मैं चाय थोड़ा सा पी लूँ, फिर निकलेंगे हम नहरगढ़ पोर्ट। यहाँ से देखते हैं क्या प्राइस वगैरह है, चार्ज वगैरह क्या ऑटो का, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं चाय पी चुका हूँ और चौराहे पे मैं खड़ा हूँ। तो मैंने एक स्ट्रेंजर से पूछा, तो उन्होंने बताया यहाँ से मिल जाएगी ऑटो, तो मैं ऑटो का वेट कर रहा हूँ बस नहरगढ़ फोर्ट के लिए। तो जो भी टाइम लग जाए ऑटो मिलने में, उसके बाद बने रहो आप वीडियो में।
घर घर घुमाते हैं आपको भी। आई हैव रीच्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जयगढ़ फोर्ट। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑटो वाले ने यही छोड़ दिया है क्योंकि वो ज़्यादा पैसे मांग रहा था, 400 रुपये मांग रहा था ऊपर जाने का। यहाँ से हमारा चढ़ाई स्टार्ट होता है, ये पीछे जो रोड बनी हुई है। और ये देख लो आप लोग, मेहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट दोनों एक ही रास्ते पर हैं। तो यहाँ से हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 150 रुपये में आप आ जाओ, यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट करो। और यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर होंगे ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी हमें। सो आप चाहो तो ऑटो ले सकते हो। तो मैंने यही सोचा है कि मैं ऑटो ले लूँगा अलग से। अगर ऑटो यहाँ साइड से जाएगी तो ऑटो मैं ले लूँगा, बाकी पैदल चलता हूँ जहाँ तक चल सकता हूँ। और लिफ्ट मिलेगी तो लिफ्ट भी ले लेंगे। सर मैं आ गया हूँ बाइक रेंटल शॉप पे। मैं आपको मैंने पहले ऑलरेडी दिखा दिया था कि मैं नेहरगढ़ फोर्ट की स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ जहाँ से आप चढ़ते हो। तो वहाँ पे ऑटो वाले बहुत ज़्यादा ही प्राइस मांग रहे थे, तो 400, 500, 1200 ऐसे करके मांग रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं बाइक ही रेंट पे ले लेता हूँ, सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि 400 ये लोग ले रहे हैं और 1000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट लेंगे। 1000 रुपये में ही आपका 400 माइनस हो जाएगा रेंट के लिए, और वो सबसे बेटर ऑप्शन है। और आप सिटी टूर पूरा कर सकते हो, लेकिन पेट्रोल इंक्लूडेड नहीं रहेगा, पेट्रोल आपको डलाना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पीछे मेरे ये बाइक रेंट की शॉप है। बहुत ही अच्छी स्टाफ है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। यहाँ पर आप आके आराम से बाइक रेंट के ले सकते हो। ये रही शॉप, ये विजय साइकिल कंपनी, इनकी कंपनी ये साइकिल भी बेचते हैं, बाकी पीछे इनकी रेंट बाइक रेंट शॉप भी है। तो आप यहाँ पे ये देखो, पीछे अंदर जाना पड़ेगा, ये सारी बाइक्स खड़े। तो गाइस मैं आ चुका हूँ थोड़ी दूर से, यहाँ पे हनुमान मंदिर है, मैंने दर्शन किया हनुमान जी का। और मैं बाइक आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाइक मैंने दिखा दी मेरी बाइक। ये मैं बता दूँ आपको, एक्सेस 125 cc है, तो अच्छी बाइक है। और तो मैं अब जा रहा हूँ नेहरगढ़ फोर्ट, वहाँ पे जाके आप लोगों को शेयर कराऊंगा। तब तक आप लोग बने रहो वीडियो में। बहुत ज़्यादा भूखा था, यहाँ पे पकौड़े बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ही समोसे हैं, पकौड़े हैं, वैरायटी के पकौड़े हैं यहाँ पे। गाइस मैं जा रहा था मेहरगढ़ फोर्ट, तो रास्ते में जल महल पड़ा। ये रहा जल महल, पीछे देख सकते हो आप लोग, जो महल है वो जल महल है, इसलिए शायद जल महल है नाम इसका। आई डोंट नो एक्चुअल रीजन क्या है इसके नाम का, जल महल क्यों पड़ा, बट एक महल टाइप का है। बीच में देखो एक तालाब है बीच में है, तो मे बी इसकी वजह से ही जल महल। और पीछे ही देखो पहाड़ है। सो जगह है यार जल महल, आओ यहाँ पे घूमो, एंजॉय करो। बर्ड्स काफी सारे हैं यहाँ पे, मैं बर्ड्स दिखाता हूँ आपको यार, अच्छे बर्ड्स हैं। तो हमने जल महल घूम लिया है, जो भी मुझे एक्सप्लोर करना था, जितना करना था, फोटो वगैरह लेने थे मैंने ले लिया। अब मैं थोड़ा सा नारियल पानी पी रहा हूँ, धीरा मेरा नारियल पानी, फिर पी के फिर मेहरगढ़ के सीधे निकलते हैं। वीडियो में बने रहो, सब दिखाता रहूँगा। मेरी स्कूटी और ऑन द वे हूँ, और वहाँ पे रास्ते में जाके जैसे ही स्टार्ट होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, मैं अब सीधा ब्लॉग शूट करूँगा। ड्राइविंग करते टाइम मैं कर नहीं सकता, तो थोड़ा सा आप लोगों को बस व्यू दे देता हूँ।
कि ऐसे सीधा जाना है जल महल से, बस सीधा जाना है आपको, क्रॉसिंग आ जाएगी वहाँ पे, नहरगढ़ फोर्ट का बैनर लगा, वो होर्डिंग लगी होगी और कट होगा रास्ता, तो वहाँ से आपको सीधा। फाइनली मैं आ गया हूँ जयगढ़ फोर्ट, और एक बुरी खबर ये है मेरे लिए कि मैं जब आ रहा था, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है रोड, जहाँ से स्टार्ट होता है जयगढ़ फोर्ट का, वहाँ पे मेरा चालान कट गया है। इसलिए कट गया क्योंकि मैंने जो हेलमेट था वो डिक्की में रखा हुआ था, और चालान क्या काटा, उन्होंने रिश्वत लिया एक तरह से, तो चालान नहीं कटा, बाकी मैंने 500 रुपये दे दिया उसको एज ए जुर्माना। जब भी आओ आप यहाँ पे हेलमेट का ध्यान रखो, जाने से ऊपर चढ़ने से पहले, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, प्लीज़ हेलमेट का ध्यान रखो और हेलमेट लेके आओ। सो टिकट का मैं बता देता हूँ, टिकट अगर आप टू व्हीलर से आ रहे हो तो 20 रुपये पार्किंग का चार्ज है, और 150 रुपीज़ यहाँ पे एंट्री चार्ज है जयगढ़ फोर्ट का। ये मेरे पीछे कबूतर, अच्छी जगह है वैसे तो, अभी मैं जस्ट आया हूँ तो थोड़ा पहले एक्सप्लोर करता हूँ फिर बताता हूँ जगह कैसी है, बने रहो आप लोग मेरे। मैं पीछे का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत बड़ा है, आप घूमते घूमते कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे सारा अगर आप घूमोगे तो, बाकी मेरे पास तो इतने टाइम नहीं है यार कि मैं पूरा घूमूं, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ये बस फोर्ट है, आपको व्यू नज़र आएगा चारों तरफ का। अब मैं उस एंड में जाता हूँ, लास्ट के एंड में वो जो मीनार टाइप का जो फ्लैग लगा हुआ है उधर जाता हूँ, उधर से व्यू दिखाता हूँ एक बार ही आपको, बाकी व्यू अच्छा है। अरावली रेंजेस के पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे पीछे, तो अच्छी जगह है, फॉगिंग की वजह से पहाड़ नहीं दिख रहा है बस, वरना व्यू और काफ़ी अच्छा आता। बैक एंड का व्यू है, बैक एंड का व्यू आप देख, काफ़ी अच्छा है यार, पर थोड़ा सा फॉगिंग नहीं होता तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। सबसे ऊंचाई पे मैं आ गया हूँ जयगढ़ फोर्ट के, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यार पीछे, मैं यहाँ पे चढ़ के आया हूँ, ये देखो रास्ता, यहाँ पे सीढ़ी नहीं लगा हुआ पर मैं चढ़ के आ गया हूँ यहाँ पे किसी तरह, और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, पूरे शहर का व्यू आ रहा है, अगर ये फॉग नहीं होता ना तो शायद सब कुछ दिखता यहाँ से क्लियरली, व्यू आप लोग देख सकते हो यार काफ़ी अच्छा है यार, बहुत ही अच्छा है। अभी भी मैं इस पीक पे ही हूँ जहाँ पे मैं चढ़ा हुआ था और फोटोज वीडियोज निकाल रहा था, तो मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे दूंगा नहीं, अब मैं निकल रहा हूँ नहरगढ़ फोर्ट के लिए, एंड मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है सो मुझे पावर बैंक में लगाना होगा, एंड पावर बैंक में लगाने के बाद मैं नहरगढ़ फोर्ट के लिए निकल जाऊँगा। तो सॉरी अगर वीडियो मैं अच्छे से ना बना पाया हूँ या फिर पूरा व्यू आपको ना दिखा पाया हूँ जयगढ़ फोर्ट का, तो ये काफ़ी व्यू है यहाँ पे, सारा ये व्यू नज़र आ जा रहा है जयगढ़ फोर्ट का। फाइनली मैं आ गया हूँ नहरगढ़ फोर्ट, और नहरगढ़ फोर्ट आ गया हूँ, और आप देख सकते हो पीछे एंट्री गेट है, यहाँ का टिकट है 52 रुपीज़ पर पर्सन, स्टूडेंट के लिए 22 रुपीज़ है, लेकिन इसके लिए आपको आई कार्ड दिखाने पड़ेंगे, तो अगर स्टूडेंट हो तो आई कार्ड लेके आना, वरना 22 रुपये नहीं देना पड़ेगा, 52 रुपीज़ ही देना पड़ेंगे। और सेकेंड थिंग ये, मेरा फ़ोन का बैटरी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, और सेकंड बैड न्यूज़ ये है कि मेरा पावर बैंक भी एकदम डिस्चार्ज हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं ब्लॉग पूरा शूट कर पाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा ही ब्लॉग बनाऊँगा यहाँ का, जितना जल्दी कवर कर सकूँ उतना जल्दी कवर करूँगा, सो आप लोग वीडियो में बने रहो।
बता देना चाहता हूँ, ये व्यू पॉइंट यहाँ का सिटी व्यू पॉइंट है, और यहाँ पे आने का फ्री चार्ज है ये, और उस रास्ते से अगर आप जाओगे तो चार्ज है वहाँ पे 100 रुपये चार्ज है। वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी मिलेगा आपको और मे बी इवनिंग ब्रंच भी मिल जाएगा। सो आप फ्री में आना चाहते हो यहाँ पे भी वही सेम व्यू मिलेगा, बस वहाँ पे ब्रंच आपको मिलेगा, इसलिए वहाँ पे चार्ज 100 रुपये। तो व्यू में आप नहरगढ़ फोर्ट से निकल गया हूँ और अब मैं कुछ खाऊंगा क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। और सॉरी मैं आपको रास्ता ही केवल दिखा रहा हूँ, कैसे दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बाइक अभी चला रहा हूँ एंड मेरे पास कुछ है नहीं पकड़ने को, मैं हाथ से मैं चला रहा हूँ हाथ से। सकते हो बैक कैमरे से मैं दिखाता हूँ आपको, देख रही है आप लोगों को कनक घाटी। यहाँ का 20 रुपये पार्किंग है और 40 रुपये पर पर्सन चार्ज है जाने का। मैं यहाँ का स्पेशलिटी आपको बाहर से ही बता देता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप जब आओगे जयगढ़ फोर्ट से होते हुए तो सबसे नीचे ही ये मिलेगा आपको रास्ते में ही, कनक घाटी के लिए एक होर्डिंग लगा होगा एंड एरो बना होगा, तो उस रास्ते आप आ जाओगे। तो कनक घाटी का स्पेशलिटी ये है कि पहाड़ों के बीच में एक तालाब सा दिखेगा और बाकी पार्क टाइप का ही कहूँगा मैं, बस एक तालाब टाइप है पहाड़ों के बीच में। फीलिंग अच्छी आएगी घूमने पे, वो तो घूमने पे ही पता चलेगा कैसी फीलिंग आएगी, बाकी थोड़ा सा पीस मिलेगा आपको, पार्क टाइप का है तो क्या बता यार। गाइस मैं बीच रास्ते में रुका हूँ, थोड़ा सा व्यू अच्छा मिला है यहाँ पर तो मैं रुक गया। आपको दिखा दूँ यार, बीच में एक घर, पहाड़ों के बीच में एक घर है इतने सारे, छोटा सा सोसाइटी टाइप का बना दिया है इन्होंने पहाड़ों के बीच में। सो गाइस मैं एक रेस्टोरेंट पे, छोटे से रेस्टोरेंट पे आया हूँ, यहाँ का ये मीनू। मैंने फाइनली अपना पावर बैंक चार्ज में लगा दिया है फाइनली, और कुछ खाता हूँ फिर चलता हूँ हवा महल, आपको घुमा लेता हूँ थोड़ा सा। हवा महल घूमने के बाद फिर हम टाइम मिलेगा तो एक जगह दो जगह अगर कवर कर सकते हैं तो कर लेंगे। बाकी रहा मेरा बैग, ये रहा मेरा पावर बैंक, फ़ोन भी चार्ज में लगाना है भैया से। मैं खाना खा चुका हूँ और बता दूँ, खाना खा चुका हूँ और अब सोच रहा हूँ कि हवा महल जाके थोड़ा सा घूम लूँ, फिर अगर टाइम मिलेगा तो एल्बर्ट म्यूजियम रास्ते में पड़ता है, एल्बर्ट म्यूजियम भी दिखा दूंगा आप लोगों को। एंड चलो फिर यार, टाइम तो बचा नहीं है, 4:30 बजने को है, 7 बजे की मेरी बस है, तो जितना जल्दी हो सके मैं, मुझे गाड़ी भी हैंड ओवर करना है, तो जितना जल्दी हो सके मैं दिखाऊंगा आपको और फिर निकल लूँगा घर के लिए। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहो यार, हवा महल और एल्बर्ट म्यूजियम टाइम मिला तो मैं दिखाऊंगा। कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, ये रेस्टोरेंट रहा, इस रेस्टोरेंट में मैंने खाया है, MM खान होटल का नाम है, तो रास्ते में ही पड़ता है ये, जब जल महल के आगे आओगे तो रास्ते में पड़ेगा। अभी तक का तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं और लोगों का बिहेवियर भी अच्छा है, मुझे आगरा से अच्छे लोग यहाँ पे लगे ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि यार मैं जब से आगरा में हूँ इतने अच्छे लोग नहीं है एज कम्पेरिजन टू हेयर, यहाँ पे बिहेवियर इनका बहुत अच्छा है, हेल्पिंग नेचर के लोग हैं। और बस यहाँ पे एक दिक्कत है कि यार अगर आ रहे हो बाइक लेके आ रहे हो या फिर फोर व्हीलर लेके आ रहे हो, ऊपर चढ़ने से पहले पुलिस वाले लगे होते हैं, लाइसेंस चेक करते हैं, बिना लाइसेंस के अगर आ रहे हो और इनकेस हेलमेट नहीं लगाए हो या फिर सीट बेल्ट नहीं बांधा है, पक्का वो तुम्हारा चालान करेंगे ही करेंगे। वो चालान भी अगर नहीं करेंगे तो तुमसे जुर्माना ले लेंगे पैसे की, इतनी दे दो मैं चालान नहीं करूँगा। तो ये रास्ता जाता हुआ हवा महल के लिए, मुश्किल से अगर आप नहरगढ़ फोर्ट से निकल रहे हो तो वहाँ के जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट से मुश्किल से
3 किलोमीटर होगा हवा महल, तो आप सीधा रास्ता बस जाना है आपको, कहीं पे मुड़ना नहीं है, सीधा रास्ता। तो हवा महल आ चुके हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सवाई मानसिंह टाउन हॉल है और आगे हवा महल है। यार कुछ खास नहीं है, मैं आते हुए भी देखा था, मुझे लगा ये हवा महल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके पता चला यही हवा महल है। यार काफ़ी छोटा है हवा महल, जैसा लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा है हवा महल, कोई ऐसा बोलते हैं ना, वो भी पहाड़ और निकली चिड़िया। हवा महल हम आ गए, मेरे को मेरे सामने आया हवा महल, यार काफ़ी छोटा है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है, छोटा ही है। तो ये मैं सोचना यार बहुत बड़ा वो है, जैसे बुक में पढ़ाया जाता है, उसमें भी हिस्ट्री के बुक में भी आएगा, मतलब पीछे बनाया होगा हवा महल का, लेकिन काफ़ी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। इसकी स्पेशलिटी क्या है ये मुझे मालूम नहीं है, बट है छोटा है ना भी बड़ा नहीं है। मैं दिखा देता हूँ कैसा हवा महल, देख लो आप लोग कैसा दिखता है। इसमें क्या स्पेशलिटी है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है कि इतना स्पेशल है ये, और मैंने भी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा था लेकिन। सो गाइस फाइनली वी आई हैव रीच्ड द एल्बर्ट म्यूजियम, ये रहा मेन गेट एल्बर्ट म्यूजियम का, और हवा महल से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा, मुझे एक्चुअल में नहीं मालूम है लेकिन 1.5 किलोमीटर ही हुआ है मुझे आए, तो इतना तो आइडिया है यार कि कितना डिस्टेंस होगा। और ये रहा मेन गेट एल्बर्ट म्यूजियम का, काफ़ी अच्छा जगह है, अंदर चल के देखते हैं क्या है। मेरे पास अभी 1 घंटे बचे हुए, उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो अभी तो 5 बज रहे हैं, 6 बजे मैं निकल जाऊँगा। एल्बर्ट म्यूजियम आ गया हूँ, ये रहा एल्बर्ट म्यूजियम वाला रोड जो मैं दिखा था आपको एंट्री पहले, और ये रहा पीछे मेरे एल्बर्ट म्यूजियम। तो अच्छी जगह है, खास बात क्या है ये तो अंदर जाके पता चलेगा, बाकी बाहर से व्यू काफ़ी अच्छा है। गाइस मैंने बाइक हैंड ओवर दे दिया जयपुर बाइक रेंटल कॉलेज, मैंने बाइक लिया तो बाइक हैंड ओवर दे के, और मैं सिंधी बस स्टैंड के लिए निकल गया हूँ। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, अभी तो ये व्लॉग एंड होने वाला है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बता दूँ जरा कुछ जैसा मेरा एक्सपीरियंस था और कैसे लोग हैं यहाँ पे। ये जो जयपुर बाइक रेंटल वाले अंकल थे ना, सबसे बेस्ट चीज़ें जयपुर में मिले, इतना अच्छा बिहेवियर, इतना काइंड आदमी मैंने नहीं देखा, सबसे बेस्ट मुझे उनका बिहेवियर लगा। तो बिहेवियर से ही बहुत कुछ बिजनेस में, तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर आपको कभी भी बाइक के रेंट पे लेना हो तो प्लीज़ आप उन्हें कॉन्टेक्ट करिए, मैं उनका लिंक और उनका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूँगा। और रही बात मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो यार मुझे बोलने का उतना वो नहीं है, मैं उतना बोलता नहीं हूँ, मैं उनमें से हूँ जो शांत रहता हूँ ज़्यादातर। बाकी मुझे नेचर पसंद है, एडवेंचर पसंद है, और एक्सप्लोर करना पसंद है, घूमना पसंद है, तो मुझे घूमने पे ज़्यादा फोकस करना था, इसलिए मैं ज़्यादा कंटेंट मेरे पास है नहीं, मेरे पास बोलने को नहीं है, मैं क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा बोल पाता नहीं, वैसे मुझे सुनना ज़्यादा पसंद है, और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। मैं आमेर फोर्ट तो घूम नहीं पाया, नया फोर्ट जयगढ़ फोर्ट और हवा महल एंड जल महल, 4 प्लेसेस मैंने कवर किया एक दिन में, वो भी अच्छे से मैं कवर नहीं कर पाया। फाइनली मैं बस में बैठ गया हूँ जो मेरी मैंने ऑनलाइन बुक करा था। तो अगर आप आगरा से जयपुर आते हो और जयपुर से आपको आगरा जाना हो तो मैं तो यही बोलूँगा लिवगो की बस बुक करो, और फालतू के ऑफलाइन भी जा सकते हो आप, काफ़ी गवर्नमेंट बसेस चलती हैं, काफ़ी बसेस चलती हैं आगरा के लिए, 7 बजे से लेके 10 बजे तक बसेस चलती हैं आगरा के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको वैसे जयपुर जाने में। गाइस मैं बता दे रहा हूँ, न्यूगो से मैंने बस पकड़ लिया था और बस आ गई है, यहाँ पे रुक गई है नाश्ते मतलब खाने के लिए, डिनर करने के लिए, और यहाँ का मैं जो बस के जो स्टाफ है ना बहुत ही अच्छे हैं, और
बिहेवियर उनका अच्छा है और क्लीनलीनेस बस में इतना इतना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्लीन है बस। और सबसे बेस्ट बस यही है। तो अच्छी लगी ब्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा ब्लॉग, और आपको ऐसा लगा हो कि मैं प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों से। थैंक यू।